ये प्रीत की 987 मॉडल है दोस्तों, काफ़ी अच्छी कटाई करती है, बेहतरीन कटाई करती है। गेहूँ काट चुके हैं हम बहुत अभी इसमें, और मौसम थोड़ा अजीब सा, इसलिए अब आज गाड़ी वेयर हाउस पर खड़ी है। और ये देख सकते हो दोस्तों, रिपेयरिंग फुल करके रखी है हमने, और देख सकते हैं जे जो चेने होती है दोस्तों, इनमें एक बार ऑयल में डुबो कर लगा दीजिए तो पूरे सीजन आराम से चलेगी। और ये बेल्ट देख सकते हैं दोस्तों, ये भी कट गया देख सकते हैं ये, तो अभी जब तक चल रहा है अभी से चलने देंगे। और एक्स्ट्रा ला के रखा है क्योंकि सब उसकी अब उम्मीद होगी ख़त्म, अब डालना पड़ेगा उसमें नई बेल्ट। और ये रील का जो बेल्ट है ये भी क्रिड हो चुका है काफ़ी जगह से, इसे भी हम चेंज कर देंगे। और देख सकते हैं दोस्तों, इसकी टेन भी काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी है, इनको भी सीधे करेंगे, और काफ़ी टेन टूट गए इसमें भी नए डालेंगे। ये देखो दोस्तों किस तरह से टेढ़ी होगी, इन्हें सुधार सीधा करना ज़रूरी है। और दोस्तों इसमें दो फ्रोंग खिल्ली भी नहीं है, और उसके कारण उसके अंदर के जो बूस है वो टूट चुके हैं, इसलिए भी नहीं डाली, इतने में काम चल रहा है और चल जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और बताए दोस्तों किस प्रकार काम कर रहे हैं हमारी गाड़ी अभी। ये रहे दोस्तों हाई लो, ये 3000 वाले बेल्ट, और ये फीटर बेल्ट भी कट चुका है हमारा, इसे भी हम चेंज कर देंगे अभी जब तक चल रहा है, फिर चलने देंगे। एक्स्ट्रा हमारे पास है, जैसे ही इसका बंद हो जाएगा उसे हम चेंज कर देंगे। हालांकि हाँ दोस्तों, ये बेल्ट कटे हुए चल जाएंगे, पर जो अपने मेन बेल्ट होते हैं जो 3175 के होते हैं, ये बेल्ट कटे वाले होंगे तो उसको चेंज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये धोखा दे सकते हैं और 20 सीजन में आपको आफत पड़ जाएंगे, क्योंकि इनमें टाइम लगता है चेंज करने में। और वही बेल्ट वो जो है उसे तो अपने 1 मिनट में चेंज कर सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों ये देख सकते हैं, हम भूल गए कि इसका अर्थिंग खोलना ज़रूरी है। अर्थ खोल देते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होने की, अगर कोई शॉर्ट भी है तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। और दोस्तों पीछे की बात करते हैं, गेहूँ काट के जब भी आते हैं दोस्तों तो स्टाफ बाकर को देख लीजिए, भरे तो नहीं है, ये संभाल फंसा है, इसे भी निकाल लीजिए दोस्तों। देख सकते हैं हम गेहूँ काट के आए थे, इसमें काफ़ी माल फंसा हुआ है, इसे इसे प्रेस कर ले, निकाल ले। और देख सकते हैं दोस्तों, स्टाफ बाकर कोई भरे तो नहीं है, यहाँ से चेक कर सकते हैं हम, देख सकते कोई चौक हुआ तो नहीं है। और छन्ना भी देख लीजिए जो सीप है वो किस प्रकार है दोस्तों, ये भी थोड़े से वहाँ पे लगा हुआ है, इसे भी हम साफ़ करेंगे, और यहाँ पे भी इसे भी हम साफ़ करेंगे। और दोस्तों अंदर भी इनमें ग्रीस ऑयल का ध्यान रखिए, ताकि ये स्टाफ बाकर साफ तोड़े ना, इसके चक्कर में टूट जाती है दोस्तों। और बात करते हैं इसके, सब एलिवेटर वगैरह सब पैड हम चेंज कर चुके हैं, और सब में एक्यूरेट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। और ये दोस्तों देख सकते हैं हेवी चेंज, जैसे हेवी ड्यूटी चेंज बोलते हैं, ये थोड़ी सी लूज़ होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लूज़ होना चाहिए ताकि ये सॉफ्ट टूटे ना। और काफ़ी अच्छी, इसको भी एक बार ऑयल में डोब के ऑयल तेल करके एक बार डाल देते हो तो पूरे सीजन भर आराम से चलती है। और देख सकते हैं दोस्तों, और दिखा दोस्तों उसके ब्लेड जो होती है, हमने पूरी नई डाली है इसमें, इस जो स्टेप बना के पूरी नई ब्लेड डाली है, जो फिंगर बेकार था उसे चेंज कर दिया है, जो नहीं था उसे अभी रखा है। और दोस्तों इसका क्लच प्लेट का काम कर लिया दोस्तों, पर अभी सॉरी कल हम थोड़े ज़्यादा काम था इसलिए हम क्लच प्लेट की वीडियो बना नहीं पाए। और आपकी गाड़ी में अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी हर कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं पब्लिक, तो ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए था। और इनका विशेष ध्यान रखें, इसमें हवा भी अच्छी होनी चाहिए, अभी तो काफ़ी अच्छी है।